अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, वाल होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह का होने वाला है कि मैं अभी, क्योंकि आज सैटरडे है तो कुछ खासा काम नहीं था, मैंने खाली कुकिंग की अपने लिए, बड़े मज़े की चिकन कढ़ाई बनाई। सॉरी मैं उसका व्लॉग नहीं बना सका, मैंने कहा आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहिए। तो खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कुकिंग की, कुकिंग के बाद नमाज़ें वगैरह पढ़ी और अभी शाम का टाइम हो रहा है, बस मैं अभी तैयार होऊंगा अपने काम पे जाऊंगा। तो आज का व्लॉग जो है वो मेरे माइंड में तो ये चल रहा है कि मैं आपको अपने साथ आज लेके जाऊं, क्योंकि मैंने तो जाना ही जाना है काम के लिए, तो क्यों ना आपको दिखाऊं कि अटलांटिक सुपर स्टोर पर बैक शिफ्ट कैसे काम करती है। तो आए आज का व्लॉग शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम रेडी हो गए और हमारे राइड भी बाहर आ चुकी है, चलते हैं अब, रात हो गई है सो जॉब पे। अरे भाई बहुत लेट आया ये, बट एनी आउट। हाय विली, हाउ यू डूइंग टुडे? आई एम डूइंग गुड, आई एम जस्ट व्लॉगिंग फॉर माय यूट्यूब चैनल। या आई एम जस्ट मेकिंग अ वीडियो फॉर माय यूट्यूब चैनल। या वंस अ वीक एंड दिस इज माय लास्ट शिफ्ट टुडे। या आई जस्ट क्विट। Yeah. Where you want to be now? I'm working at KFC. Like that better? KFC is way better. Yeah. Yeah. You can come by sometimes. Yeah, I can give you free treats as well. What? Yeah. I can give you free treats if you want. It's a good idea to go. It's only one shift left, so. ये है हमारी यूनिवर्सिटी और हम जा रहे हैं अपने दोस्त को पिक करने, जो मेरे साथ काम करता है। और yeah, let's go for that. He's waiting for us. He's gonna miss you. He's gonna miss me? Yeah. Am I his girlfriend? Yeah. Yeah. He really likes you. Yeah, he really likes me. He's a good guy. Yeah, yeah. I really like him too. Yeah. No, he thinks the world of you. Sorry? He thinks the world of you. Oh, okay. So how's your relation going? Good. It's going good? I see you returned her car. What? I see you returned her car. Yeah. Isn't it true that whatever is hers is yours? What? Whatever is hers is yours. That's what she says. Yeah. That's what she says. That's same thing my case. For real? Huh? She said it for real? What? She said it for real, like whatever is hers is yours? Yeah. Ah, you are so lucky. That's what she says. I think so, you are blushing as well. I think so, you are blushing as well. She's a nice girl. Yeah, she is. Yeah. You are lucky. Yeah. No, she's lucky. What? Why? She's lucky to have me. Oh. That's self-obsession. She's lucky to have me, boy. Yeah, am I right? Am I right? That's what? Self-obsession. That's called self-obsession, like. Yeah. No, she's a good girl. Yeah, she is. Yeah. I have seen her twice with you. Yeah. She's too gentle looking to you. Oh yeah, she wants to be with me. Thank you.
going to busy tomorrow? Are you going to be busy tomorrow in the morning? हाय अमित, हाय कैसे हो? मैं फिट, आप कैसे हो? बढ़िया हूँ। तो जैसा कि हम अभी अपनी जॉब पे पहुंच गए थे, जॉब पे आने के बाद हमने 2-2.5 घंटे काम किया। नाउ इट्स ब्रेक टाइम, और ब्रेक टाइम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं अपने एक इंडियन फेलो के साथ जो यहाँ पे काम करते हैं। ही इज़ रियली ब्रिलियंट स्टूडेंट एज वेल, और सुपर स्टोर का बैकबोन भी बोल सकते हैं आप उनको। विल सी। और काम की मैं वीडियो बना नहीं सका क्योंकि अलाउ नहीं है फ़ोन यूज़ करना यार, तो कैसे बनाता मैं। बट ये है कि मैं अभी नेक्स्ट ब्रेक में आपको ओवरऑल दिखा दूँगा सारा सुपर स्टोर है कैसा, कितना बड़ा है, क्या सीन है इसका। इट्स क्वाइट गुड, ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाती है। इट्स क्वाइट गुड। अभी रात की शायद 12:30 हो गए और थका हुआ भी हूँ, नींद भी आई हुई है। तो ऐसे होता है वही काम, ऐसे मज़े का इतना टफ तो नहीं है। इट्स प्रीटी ईजी। और 2 घंटे के बाद ब्रेक मिलती है। हाय अमित ब्रो। हाय, हेलो एवरीवन। आप ये क्या खा रहे हो अभी ब्रेक टाइम में? मैं ये आइसक्रीम, जो भी पैकेट्स खुल जाते हैं वो हमारा होता है। सही, आप फ्री में सुपर स्टोर को चूना लगा रहे हो। मतलब इतना भी नहीं है, मतलब कुछ हार्ड वर्क का ये क्या? ये हार्ड वर्क का क्या बोलते हैं अब, अ फ्रूट। एग्जैक्टली। तो कैसा जा रहा है आपका काम? अब तो आदत सी हो गई है मेरे को। फर्स्ट मंथ में दिक्कत हुई थी काफ़ी। फर्स्ट मंथ में ऐसा हुआ था कि बॉडी यूज टू रही थी, क्योंकि 3 घंटे काम करने के बाद ना फिर आपको बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अप एंड डाउन कंटिन्यूस करना पड़ता है। तो फिर घर जाके जब आप सो के उठते हो तो सारी बॉडी पेन। वैसे कैसा फील होता है लाइक एक आईटी का स्टूडेंट होने के बाद यहाँ पे बैक शिफ्ट पे काम करना? शुरू में एक्सेप्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है, पर अगर ये चीज़ें नहीं करोगे तो फिर आपकी जो रेंट कैसे जाएगा, खाने की चीज़ें कैसी होंगी, तो वो चीज़ें करने के लिए आपको करना पड़ता है। तो फिर हमेशा ये ध्यान में होता है कि कुछ टाइम के लिए करना है, फिर उसके बाद लाइफ अच्छी होगी, तो इसलिए। हाँ, ये भी है। तो
तो आपको कैसा लगा? मतलब मैं आपका शायद पहला पाकिस्तानी दोस्त हूँ। हाँ, मैंने एक और बंदे से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी तो रिस्पॉन्स मिला नहीं, तो मेरे को लगा कि जो इंडिया पाकिस्तान टीवी में दिखता है शायद वही हो। तो जब आप मैं शाम से मिला तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, ऐसा रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये बंदा पाकिस्तान से है। सारी चीज़ें एक ही, लैंग्वेज एक, सारी चीज़ें बस वो पॉलिटिशियन ने अलग चीज़ें बना रखी जो हमें टीवी में दिखती। मेरे भी यहाँ पे आके काफ़ी इंडियन फैलोज दोस्त बने यार। इवन तो मैं पीएससी पे काम करता हूँ, वो सारे जो है अब इंडियन से, मुझे लिटरली फील नहीं होता मैं इंडियन से बात कर रहा हूँ या वही, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छा और रिस्पॉन्स मिलता है। बाकी मेरे को जो लगता है जो डिफरेंस आता है वो नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में आता है। साउथ इंडियन टोटली डिफरेंट है, उनका लैंग्वेज डिफरेंट है, हमें समझ नहीं आती। बट आप एक स्टोरी भी सुना रहे थे मुझे दो तीन दिन पहले या लास्ट वीक, वो जो आपका दोस्त था वो हैदराबाद वाला, वो तो यहाँ पे लीगल नोटिस लग जाएगा वो चीजें, ऐसे मैं कैमरे में बता नहीं सकता। तो वो जब लास्ट टाइम आपको वो कोई डौरी के बारे में बता रहा था, तो उसके एक्सेंट आप कॉपी कर सकते हो अभी? कर तो सकता हूँ मैं, पर शायद किसी हैदराबादी बंदे को बुरा ना लगे इसलिए। वो मतलब उनका ऐसा है, वो हिंदी बोलते तो हिंदी है वो, पर उनका हिंदी का स्लैंग डिफरेंट है। वो बोलते हैं कि जैसे सपोज आपने पूछा उससे कि यार आप डबरी क्यों लेते हो, तो उसने एक रिस्पॉन्स दिया था, बोलता उसका डैडी देता तो मैं लेता उसकी प्रोटेक्शन के लिए। मुझे एक और बात जो है वो काफी शॉकिंग लगी थी, जो कि मैं पूछना चाहूंगा अब दोबारा आपसे ऑन कैमरा, कि वो डबरी की अमाउंट जो आपने बताई थी मुझे, इट वॉज क्वाइट हैवी। वो एक्चुअली जहाँ तक मेरे को जितना पता लगा है साउथ इंडिया के बारे में, वो डिपेंड करता है, अगर कोई भी बंदा जैसे यूएस जा रखा है तो वो जनरली वो लोग 1 करोड़ इस तरह के मानते हैं यूएस और जो कनाडा, भले ही वो कुछ भी कर रहे हो। सही, मतलब उनके पास अगर कनाडा का वीजा हो तो 1 करोड़ मांगेंगे। वीजा नहीं, सॉरी, पीआर एंड सब पीआर। ओके, चाहे वो बंदा इधर पे आके ना मतलब कि लेबर का काम भी करना करता हो, सही, तो वो उधर पे वो इतना मांगते हैं। एक्चुअली रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट तो नहीं, मेरे को इस बारे में एक चीज के बारे में पता लगा कि एक बंदा है, मेरी फ्रेंड एक जगह पे काम करती है, मतलब वो कॉल सेंटर की जॉब है, तो बताई थी वहाँ पे एक लड़की है, वो साउथ इंडिया जस्ट मैरिड होके आई, वो भी काम करना उसने स्टार्ट किया, तो वो बता रही थी कि उसके पेरेंट्स ने डॉरी मतलब अराउंड 1 करोड़ ही दिया। और अभी पता लगता है कि वो बंदा इतना कमाता नहीं यहाँ पे और वो सिविल में काम करता है, तो उस वजह से उस लड़की को भी काम करना पड़ा। बट उसका तो काम हो गया, 1 करोड़ मिल गया उसको भाई। पर वही है ना, कनाडा आने की मोटिवेशन कनाडा आने की मोटिवेशन तो आपकी यही तो नहीं थी? मेरा मोटिवेशन ही था, मेरा एक्चुअली इंडिया में मेरे को जॉब नहीं लगी, काफी टाइम तक स्ट्रगल हो गया, तो फिर लगा कि स्कूल खत्म हो गया तो एक आखिरी रास्ता लास्ट वे ऑफ हो। नहीं, इट्स गुड। चले, हम आपसे टाइम टू टाइम आपको फीचर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नॉलेज देने के लिए, फीचर होने के लिए। थैंक यू मेरे से बात करने के लिए, और थैंक यू सारे पाकिस्तानी भाइयों और जो भी हिंदुस्तानी भाइयों के लिए। पर मेरे ख्याल से फ्यूचर में हमें वीज़ा मिलना चाहिए ताकि हम भी घूम के आ सकें कि कराची कैसा है, लाहौर कैसा है, क्योंकि कराची के बारे में बहुत सुना है। पर वीज़ा मिलने में बड़ी दिक्कत होती है पॉलिटिकल रीजंस के कारण। चलो, इस चीज़ के ऊपर मैं भी बोलूँगा कि वीज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि हाँ, फूड इज़ द थिंग। जो जस्ट सपोज अगर आप बिरयानी की बात करें तो कराची की बिरयानी इज टोटली आउट ऑफ द बॉक्स। यू शुड ट्राई। मैं बिरयानी तो नहीं, मैं मटन का, मेरे को बड़ा शौक है। देन आई थिंक सो यू शुड गो टू पेशावर, वो लोग मटन बहुत खाते हैं एंड इट्स रियली टेस्टी। बहुत ज़्यादा डिशेज है, जैसे दम पोस्ट हो गया, काफ़ी डिशेज है जो मुझे तो आती भी नहीं है, जो मैंने भी नहीं ट्राई की। आपको वीज़ा मिलेगा उसके बाद दोनों ट्राई करेंगे, देखते हैं कब मिलता है। ओके अमित ब्रो, ओके, थैंक यू लेटर ऑन, बाय।